तपस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरनतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पैरालिसिस, पोलियो, लकवा, अधरंग, एक ऐसी समस्या जो एक बार होने के बाद आदमी जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है, पराश्रित हो जाता है, दूसरों के अधीन हो जाता है। तो जब कैंसर जैसी व्याधियां योग से मिट रहे हैं तो क्या पैरालिसिस नहीं मिटेगा? पैरालिसिस योग से और मिट चुका है और बहुत जल्दी मिट जाता है। पैरालिसिस बहुत उम्र में भी, 60-70 साल की उम्र में भी जिनको हुआ है उनको भी हमने ठीक किया है। पैरालिसिस हो, अब तो कुछ पोलियो के पेशेंट भी अच्छे हो चुके हैं। पैरालिसिस, पोलियो, अधरंग, लकवा, पार्किंसन, कंपवात, हाथों में पैरों में कंपन हो जाता है, कंपवात के पेशेंट, पोलियो के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट हमने अच्छे किए, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि ये पोलियो भी ठीक होगा, उसमें वक्त लगेगा ज्यादा और लाभ तो होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी पोलियो में, और पैरालिसिस तो 100% क्योर हो जाए, कंपवात भी 100% कंट्रोल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और यदि प्रारंभिक अवस्था का है तो 100% क्योर। पार्किंसन, कंपवात और स्नायु की दुर्बलता, नसों में ब्लॉकेज आ गए या डायबिटीज के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, बुढ़ापे के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, नर्वस सिस्टम की वीकनेस के लिए, स्नायु दुर्बलता के लिए योग, और योग में मुख्य रूप से प्राणायाम, प्राणायाम ही से पोलियो अच्छा होता है, आसन से नहीं होगा, याद रखना हमेशा। आप कभी योग का अर्थ आसन समझ लें, ये भ्रांति मिटा दे या ज्ञान मिटा दे। योग में आसन तो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। यदि आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से देखा जाए, चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो प्राणायाम ही मुख्य प्रक्रिया है व्याधियां मिटाने की और समाधि तक पहुंचने। इसलिए आपको पोलियो है, आपको पैरालिसिस है, कंपवात है, अधरंग लकवा है और स्नायु की दुर्बलता है, तो आप प्राणायाम कीजिए, धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाइए, लगभग 1 घंटा प्राणायाम कीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा स्नायु का रोग है, नर्वस सिस्टम वीक हो चुका है, बहुत ज्यादा पार्किंसन है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं, सुबह 2 घंटा 5 से 7 कर लीजिए ना, और देखिए ना 1 सप्ताह में, 1 महीने में आपके भीतर जबरदस्त परिवर्तन। बहुतों का तो 1 महीने में पैरालिसिस अच्छा हो जाता है, बहुत थोड़ा पैरालिसिस है तो
किसी का 15-20 दिन में भी अच्छा हो जाता है। पोलियो में आपको 5-7 महीने साल भर लगेगा, तब पूरा इंप्रूवमेंट महसूस होगा। और किसी किसी को तो पोलियो पेशेंट को सप्ताह 10 दिन में ही जो शिविरों में भाग ले लेते हैं, शिविर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो पोलियो के पेशेंटों को सप्ताह 10 दिन में ही उनके अंदर एक चैतन्यता आ जाती है, क्रियाशीलता आ जाती है। योग और योग में मुख्य रूप से प्राणायाम और साथ में कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, वे सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और मुख्य रूप से प्राणायाम, इन मुख्य चार व्याधियों में, पैरालिसिस में, पोलियो में, कंपवात में और स्नायु दुर्बलता विशेष रूप से लाभ करते हैं।